अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल वाला जो लेक्चर है वो हमने जहाँ से ख़त्म किया था, हम पढ़े थे लोकोमोशन इन यूबलिना। हमने लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्ट्रा एंड इनवर्टिब्रेट्स जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। यूबलिना में हमने पढ़ा था कि यूबलिनाइड मूवमेंट होती है, फ्लेजैलम होता है यूबलिना में जो मूव करवाता है उसकी बॉडी का। जब फ्लेजैलम बैकवर्ड विप होगा तो बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी। इसके अलावा एक था कि यूबलिना जो है, हाउ यूबलिना चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें आपने ये लास्ट वाली जो तीन चार लाइनें हैं ये लिखनी है, यूबलिना इज एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन। यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ यूबलिना चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, तो यूबलिना इज एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय एक्टिव कॉन्ट्रेक्टाइल मायोनिम्स विच रन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी की शेप भी चेंज हो जाएगी और बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मायोनिम्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले बॉडी शॉर्ट होगी, वाइडर होगी एंटीरियर एंड से, फिर मिडल से और फिर पोस्टीरियर एंड से। तो इस तरह से जो है यूबलिना मूव करेगा, ठीक है, और इस टाइप की जो मूवमेंट है वो यूबलिनाइड मूवमेंट कहलाती है। अब ये क्वेश्चन इसमें हो गया है कि यूबलिना एक तो मूव कैसे कर रहा है, व्हाट इज़ यूबलिनाइड मूवमेंट। ठीक है, यूबलिनाज बॉडी मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लेजैलम। फ्लेजैलम मूव्स एज फ्लेजैलम इज विप बैकवर्ड और मेज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, और फर्स्ट द बॉडी बिकम शॉर्ट वाइडर एट इंटीरियर एंड एंड देन एट द मिडल एंड लेटर एट द पोस्टीरियर एंड, दिस इज कॉल्ड यूबलिनाइड मूवमेंट। व्हाट इज यूबलिनाइड मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन आ गया आपको। मूवमेंट ऑफ यूबलिना इज नोन एज यूबलिनाइड मूवमेंट। इन दिस मूवमेंट यूबलिना मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेजैलम। ठीक है, और हाउ यूबलिना मूव चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी आप इसका आंसर लिखेंगे, यूबलिना इज एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स विच रन अलोंग पैरेलल अलोंग द बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया जो है वो क्या होते हैं, दिस इज सीलियरी मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जो सीलिया की वजह से हो रही है वो सीलियरी मूवमेंट कहलाएगी। सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली। सीलिया जो हैं वो सारे के सारे जो पैरामीशियम की बॉडी पे सीलिया बने होंगे वो एक ही दम सारे के सारे मूव नहीं करेंगे, पहले कुछ मूव करेंगे फिर वो लहराते हुए अपनी लहर जो है वो अगले वाले सीलिया को मुंतकिल कर देंगे, फिर अगले वाले सीलिया मूव करेंगे और इस तरह बारी बारी, ठीक है ना, फिर शुरू वाले एंड वाले इस तरह से बारी बारी जो सीलिया हैं वो मूव करते जाएंगे। तो ये वेव जो है वो शुरू वाले फिर एंड वाले इनके दरमियान में मूवमेंट की वेव जो है वो रहेगी। द वेव स्टार्ट एट द इंटीरियर एंड एंड प्रोग्रेसिव बैकवर्ड। इंटीरियर एंड जो उसकी बॉडी का है फ्रंट वाला एंड, वहाँ से स्टार्ट होगी और बैकवर्ड की तरफ जो है वो वेव ऑफ मोशन जो है वो चलती रहेगी। सीलिया और शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। व्हाट आर सीलिया, इस ये जो दो लाइनें मैं पढ़ने लगी हूँ आपकी बुक से, ये इस क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा, व्हाट आर सीलिया। सीलिया और शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द लेंथ ऑफ सीलिया रेंजेस फ्राम मैनी माइक्रॉन टू मैनी हंड्रेड माइक्रॉन्स एंड द डायमीटर वेरीज फ्राम 0.1 to 0.5 माइक्रॉन। अ सीलियम कंसिस्ट ऑफ 9 पेरीफ्रल डबल फिब्रिल। सीलियम जो है उसके पास 9 पेरीफ्रल डबल फिब्रिल होते हैं, इसमें गिविंग अपियरेंस ऑफ 8 शेप फिगर। आपको पता है पैरामीशियम की बॉडी जो है वो 8 शेप फिगर वाली होती है, शू शेप या 8 शेप फिगर वाली पैरामीशियम की बॉडी होती है। एंड टू सेंट्रल स्मॉलर फिब्रिल। ऑल दिस फिब्रिल्स रन लॉन्गिट्यूडिनली अलोंग द सीलियम। दीज आर कवर्ड विद एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया इज नॉट नोन। हाउएवर इन 1955 ब्रैडफोर्ड सजेस्टेड द मूवमेंट ऑफ सीलिया ड्यू टू साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग ऑफ डबल फिब्रिल्स इन टू ग्रुप्स वन आफ्टर द अदर। मतलब एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो सीलिया की मूवमेंट का था वो तब तक नोन नहीं था, लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने सजेस्ट किया था एक मेथड। उसे कहा था सीलिया जितने भी टोटल सीलिया हैं वो दो ग्रुप्स में मूव करते हैं, एक ग्रुप पहले मूव करेगा फिर दूसरा ग्रुप मूव करेगा। इन दो ग्रुप बने हुए हैं सीलिया के मूवमेंट के, पहले एक ग्रुप कॉन्टैक्ट करेगा फिर दूसरा कॉन्टैक्ट करेगा। तो टोटल जो है वो 9 सीलिया हैं, 5 out of 9 डबल फिब्रिल। टोटल 9 फिब्रिल है ना, 9 डबल फिब्रिल, 5 डबल फिब्रिल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट और स्लाइड साइमल्टेनियसली विद द रिजल्ट दैट सीलियम बेंड और शॉर्टन। पहले वाले जो 5 हैं 9 में से, 9 डबल फिब्रिल में से जो पहले 5 डबल फिब्रिल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इकट्ठे, वो 5 इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और सीलिया की बॉडी जो है वो बेंड होगी और शॉर्ट होगी, पैरामीशियम की बॉडी, ठीक है ना, पैरामीशियम जो है वो बेंड होगा
आगे को झुकेगा और बेंड होने का मतलब होता है झुकना और शॉर्ट होगी उसकी बॉडी। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक। पहले वाले 5 डबल फिब्रिल्स, 9 में से पहले वाले 5 जो डबल फिब्रिल हैं सीलिया के, उनकी मूवमेंट जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाता है। जो बाद में रह जाने वाले 4 डबल फिब्रिल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीलिया की बॉडी जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। पहले वाले सीलिया के मूव करने से बॉडी बेंड होगी आगे को, सॉरी पैरामीशियम की बॉडी, सीलिया की बॉडी नहीं, ठीक है। पहले वाले जो सीलिया हैं 5 डबल फिब्रिल, उनके मूव करने से पैरामीशियम की जो बॉडी है वो बेंड होगी और शॉर्ट होगी और उनकी मूवमेंट जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाती है। और जो बाद वाले हैं उनकी वजह से बॉडी जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी और वो वाली मूवमेंट जो है वो रिकवरी स्ट्रोक कहलाती है, जो बाद वाले 4 हैं। तो ये इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक वाला जो मेथड था ना, ये ब्रैडफोर्ड ने 1955 में पेश किया था, सजेस्ट किया था कि सीलिया जो हैं वो इस तरह से मूव करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बेंडिंग एंड रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ बेंडिंग, पहले वाली यानी इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक, पैरामीशियम स्विम अगेंस्ट वाटर एंड एनर्जी फॉर द सीलिया इज प्रोवाइडेड बाय ATP। सीलिया को काम करने के लिए जो बॉडी एनर्जी है वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर से ATP प्रोवाइड करता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन सीलिया ब्रेक अप ATP टू रिलीज एनर्जी। द एक्शन ऑफ सीलिया इज कोऑर्डिनेटेड एंड ऑल सीलिया बीट टुगेदर इन सीक्वेंस टू प्रोपेल द एनिमल इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यानी एक ही डायरेक्शन में, अब ऐसा नहीं है कि पहले वाले 5 जो थे वो एक और डायरेक्शन में मूव किए थे और बाद वाले 4 जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, पैरामीशियम की बॉडी। तो इस तरह की मूवमेंट जो है जो सीलिया की मदद से हो रही है वो सीलियरी मूवमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा की जो लोकोमोशन है वो अमीबाइड मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। अमीबा मूव्स बाई मीन्स ऑफ सोडोपोडिया। सोडोपोडिया होते हैं फॉल्स फीट, यानी सचमुच वो पाँव नहीं है लेकिन वो पाँव का काम कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं किसम का ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। और वो जिधर को साइटोप्लाज्म मूव करेगा उधर को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाएगी, जिसको सोडोपोडिया कहते हैं। सोडोपोडिया जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सोडोपोडिया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थ्रोन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म कॉन्सिक्वेंटली। यानी जिधर को साइटोप्लाज्म बहेगा वहाँ पे एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो सोडोपोडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे उंगली नुमा स्ट्रक्चर बनते जाते हैं और फिर दोबारा ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स नहीं रहते कि अब एक दफ़ा सोडोपोडिया बन गया तो उसने ख़त्म नहीं होना। एक दफ़ा एक डायरेक्शन में जब एनिमल मूव कर रहा है तो सोडोपोडिया उस डायरेक्शन में बने हैं, जब उसने दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है तो सोडोपोडिया दूसरी डायरेक्शन में बन जाने हैं। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडोपोडिया इज स्टिल डिबेटेबल। ये अमीबाइड मूवमेंट दिखाई हुई है, फिगर में लिखा है अमीबा शोइंग अमीबाइड मूवमेंट। जिधर को अमीबा का साइटोप्लाज्म जाएगा बहेगा उधर को वो बन जाएगा। अच्छा, अभी तक हम 3 मूवमेंट्स पढ़ चुके हुए हैं, यूग्लेनॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और अमीबाइड मूवमेंट। अब जो हम चौथी मूवमेंट पढ़ने लगे हैं वो है जेट प्रोपल्शन। जेट जैसे नहीं करते होते कि उसके नीचे से वो कोई चीज़ें निकल रही होती हैं और वो आगे को मूव कर रहा होता है। ये आप देखें जरा फिगर में, जेलीफिश, लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक बॉडी कॉल्ड बेल। ये बेल शेप इसकी बॉडी है किस्म की, ये देखें जरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बेल, इसकी बॉडी को बेल कहा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंटर्स इन द बेल एंड देन बेल कॉन्ट्रैक्ट्स, वाटर इज फोर्स्ड आउट लाइक अ जेट एंड एनिमल्स मूव फॉरवर्ड। अब बेल जो है जेलीफिश की बॉडी में पानी दाखिल होता है बेल के अंदर, ये जो ऊपर वाली बॉडी है उसको बेल कहा जा रहा है, ठीक है। बेल के अंदर पानी जाएगा, फिर जब बेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें से पानी सिकुड़ेगी, उसमें से पानी निकलेगा, बिल्कुल जैसे वो क्या कहते हैं जेट में से कोई चीज़ पीछे से निकलती है ना, ठीक है, जेट जब मूव करते हैं ऊपर को। तो इसलिए इसकी मूवमेंट को जेट प्रोपल्शन कहा हुआ है कि पानी बिल्कुल उसी तरह से बाहर निकाला जाता है इसकी बॉडी में से जैसे जेट में से चीज़ें निकाली जाती हैं। तो इसकी मूवमेंट को कहते हैं जेट प्रोपल्शन, ठीक है। तो अभी तक हमारी 4 मूवमेंट्स हो गई, यूग्लेनॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, अमीबाइड मूवमेंट और जेट प्रोपल्शन। अब है अर्थवर्म की मूवमेंट, लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म शोज अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपने देखा हो कोई वो ऐसा वाला आपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए अगर TV पे देखे हो तो वो अकॉर्डियन होता है एक, जिसकी दोनों साइड पे हाथ डाल के उसको खींच के लंबा किया जाता है और फिर छोटा हो जाता है, फिर लंबा और छोटा होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लाइनें लाइनें सी वेव्स लाइक बनी नज़र आ रही होती हैं और लंबा और छोटा बार बार उसको किया जा रहा होता है, ठीक है। तो वो वाली जो मूवमेंट है अकॉर्डियन, जैसे बढ़ता है छोटा होता है फिर बढ़ता है फिर छोटा होता है, वो वाली जो मूवमेंट है वो
अकॉर्डियल लाइक मूवमेंट अर्थवर्म में पाई जाती है, ठीक है, इन विच सीटा एंड मसल्स बोथ आर इन्वॉल्व। इस मूवमेंट में सीटा जो उसके पाँव वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, फिगर में सीटा नहीं दिखाए हुए लेकिन सीटा उसके ना पाँव ही होते हैं किस्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम लॉन्ग एंड थिन, ये दिखाए हुए हैं मसल्स की मूवमेंट। ये जो पिंक पिंक से बने हुए हैं मसल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और जो लाइट से कलर के, लाइट ब्लू से कलर के दिखाए हुए हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो पिंक पिंक वाली लाइनें बनी हुई हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और जो लाइट ब्लू कलर की लाइनें बनी हुई हैं वो हैं सर्कुलर मसल्स। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अर्थवर्म की बॉडी छोटी होगी साइज में, ठीक है, जब सर्कुलर मसल जो गोलाई में है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अर्थवर्म की बॉडी लंबी होगी। ये आपने याद रखना है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अर्थवर्म की बॉडी ने थिक यानी मोटी और छोटी होना है, और जब जो सर्कुलर मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अर्थवर्म की बॉडी ने पतली और लंबी होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम्स लॉन्ग एंड थिन, लॉन्ग एंड थिन होगा तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो गई कि ना सर्कुलर मसल्स, ठीक है। द सीटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द इंटीरियर एंड कम्स आउट एंड एंकर एंड होल्ड दिस एंड फर्मली। द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नाउ कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर मसल्स रिलैक्स। पहले जो लॉन्ग एंड थिन हुई है बॉडी वो सर्कुलर मसल्स की वजह से हुई है, ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट उन्होंने लिखा है ना, नाउ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर मसल रिलैक्स, तो पहले वाले जो स्टेप हो रहा है जिसमें बॉडी लॉन्ग एंड थिन हुई है इसमें सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हैं। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो है वो लॉन्ग और थिन हो जाएगी, और वो जो सीटा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो बॉडी को वहाँ पे फिक्स करेंगे। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अब जो पहले रिलैक्स कर रहे थे वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और सर्कुलर मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अब रिलैक्स करेंगे, तो बॉडी जो है वो क्या होगी, शॉर्ट एंड बॉडी शॉर्टन्स दस पुलिंग दिस पोर्शन फॉरवर्ड। बॉडी छोटी होगी और आगे की तरफ को धकेलेगी उस पोर्शन को, ठीक है। देन द सीटा ऑफ द पोस्टीरियर एंड कम्स आउट एंड फिक्स द एनिमल ऑन द ग्राउंड। नाउ सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स एंड बॉडी बिकम्स थिन एंड लॉन्ग, जैसे पहले हुई थी थिन एंड लॉन्ग। इन दिस वे अर्थवर्म मूव्स एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बारी बारी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अर्थवर्म के, और बॉडी जो है वो लंबी होती है सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से लंबी और पतली, और लॉन्गिट्यूडनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से छोटी और मोटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आगे को धकेली जाती है बार बार दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। जिस साइड के मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ से सीटा बाहर निकलेंगे और उसको अर्थवर्म की बॉडी को वहाँ पे फिक्स करेंगे ज़मीन पे। और नेक्स्ट आ जाती है लोकोमोशन इन कॉकरोच। द मोड ऑफ लोकोमोशन इन कॉकरोच इज स्विफ्ट वॉकिंग, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉकरोच चल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे वॉक कर रहे होते हैं। इट आल्सो टेक्स फ्लाइट बाय इट्स विंग्स, एक तो सुस्त रवि से चलना है कॉकरोच की लोकोमोशन में, और दूसरा कॉकरोच थोड़े से स्टेप तक के लिए उड़ भी सकता है, ठीक है ना। इन वॉकिंग द लेग्स आर यूज्ड ऑन वन साइड, द फोर लेग्स पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड एंड हाइंड लेग्स पुशेस इन द सेम डायरेक्शन। आगे वाली लेग्स बॉडी को आगे की तरफ लेके जाती हैं और पीछे वाली भी उसी की तरफ को धकेलती हैं, आगे की तरफ को यहीं धकेलती हैं। मिडल लेग्स ऑफ द अपोजिट साइड एक्ट एज अ प्रॉप, प्रॉप जैसे चप्पू चलाने का कश्ती में काम कर रहे होते हैं, ऐसे मिडल लेग वो वाला काम कर रही होती है। इन द मीन टाइम द रिमेनिंग थ्री लेग्स बिगिन टू मूव एंड प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी लेग्स की मदद से अर्थवर्म जो है वो कॉकरोच जो है वो मूव करेगा आगे। आउट ऑफ टू पेयर द पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स ब्रिंग अबाउट फ्लाइट, दीज बीट इन एयर सच अ मैनर दे सपोर्ट द बॉडी वेट एंड ड्राइव इट थ्रू द एयर। अब जो दो बॉडी में पेयर होंगे उसकी में अर्थवर्म कॉकरोच की बॉडी में विंग्स के परों के दो जोड़े हैं, ठीक है, उनमें से जो पोस्टीरियर वाला जोड़ा है वो उसकी बॉडी को उड़ाने में मदद करेगा। उसके बाद है लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल की जो लोकोमोशन है, अच्छा इसमें बताया वो स्विफ्ट वॉकिंग एंड कौन से वाली है, ये लोकोमोशन एक तो स्विफ्ट वॉकिंग है और दूसरी फ्लाइट है कॉकरोच की। अर्थवर्म की मूवमेंट अकॉर्डियन लाइक थी, जेलीफिश की जेट प्रोपल्शन थी, जेलीफिश के अपने नाम से याद रख लेना है, जे से जेलीफिश स्टार्ट हो रही है और जे से ही जेट प्रोपल्शन है, तो जेलीफिश की जो लोकोमोशन है वो क्या कहला रही है, जेट प्रोपल्शन कहला रही है। उसके बाद आ जाती है स्नेल की लोकोमोशन। स्नेल जो है, स्नेल्स एंड मुजल्स आर मोलस्क, ये फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं स्नेल और मुजल्स, विच क्रॉल और मूव वेरी स्लोली बाय फुट, इनके पास फुट होते हैं
या तो ये रींग रहे होते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पे चल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है स्टारफिश। स्टारफिश अपने ट्यूब फीट की मदद से हरकत करती है एंड द ट्यूब फीट आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ रेडियल कैनाल दैट एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द आर्म। ट्यूब फीट एक्सटेंड्स व्हेन वाटर इज पम्प्ड इनटू देम। अब ट्यूब फीट उसकी बॉडी पे होते हैं स्टारफिश की बॉडी में, और ट्यूब स्टारफिश आपको होता है उसमें फाइव आर्म्स होती हैं, स्टार की शेप की होती है और उसकी फाइव आर्म्स होती हैं, और आर्म्स की ऊपर वाली लेंथ तक जो है वो ट्यूब फीट मौजूद होते हैं। ट्यूब फीट के अंदर पानी भरता है, ठीक है, फुल हो जाता है पानी से, और व्हेन दे फिक्स देम बाय सक्शन पम्प कप और सम ऑब्जेक्ट लेटर ऑन दे शॉर्टर एंड पुल द बॉडी इन द डायरेक्शन। फिर जब वाटर में ट्यूब फीट एक्सटेंड व्हेन वाटर इज पम्प्ड इनटू देम देन दे फिक्स देमसेल्व्स बाय सक्शन कप और सम ऑब्जेक्ट लेटर दे शॉर्टर एंड पुल द बॉडी इन द डायरेक्शन। इन दिस वे स्टारफिश मूव्स इन एनी डायरेक्शन। आम द स्टारफिश आल्सो हेल्प इन स्विमिंग, यानी स्टारफिश के ट्यूब फीट जो हैं वो उसको मूव करते हैं, इसके अलावा उसकी आर्म्स जो हैं वो उसको स्विमिंग में हेल्प करती हैं स्टारफिश को। ठीक है, तो ये सारी थी इनवर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन। अब नेक्स्ट जो कल हमारा लेसन स्टार्ट होना है उसमें हमने वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन स्टार्ट करनी है। वर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन में हम फिशेज में पढ़ेंगे, एम्फीबियंस पढ़ेंगे कैसे मूव करते हैं, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, एयर में पढ़ेंगे बर्ड्स कैसे करते हैं, इसके अलावा मैमल्स देखेंगे कि वो कैसे कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड ये वाला लास्ट वाला टॉपिक होगा हमारे लेसन का। तो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट दो लेक्चर में हमारी जो है वो ये चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू।